फ्रेंड्स, इंदौर वालों के लिए एक बुरी खबर आ रही है क्योंकि एयर इंडिया इंदौर से अपनी फ्लाइट कैंसिल करने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, एयर इंडिया की जो फ्लाइट इंदौर से दुबई के लिए डेली उड़ान भरती थी, वह अपने फ्लाइट को कैंसिल करने वाली है और 1 फरवरी से एयर इंडिया की फ्लाइट इंदौर से दुबई के लिए उड़ना बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस खबर के पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि इंदौर एयरपोर्ट के रनवे का काम शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से एयर इंडिया को यहां से उड़ान भरने की परमिशन नहीं मिल पा रही है। फ्रेंड्स, यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि एयरलाइन इस फ्लाइट को कैंसिल ना करने के लिए नेसेसरी स्टेप भी उठा रही है, जिसमें कि वह एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात कर रही है ताकि उसको कुछ स्पेशल परमिशन दिया जाए कि वह अपनी उड़ानें भर पाए। लेकिन इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी से अभी कुछ भी स्पेशल परमिशन नहीं मिल पाई है। फिलहाल मौजूदा हालात से यही सामने आ रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 1 फरवरी से इंदौर से उड़ना बंद हो जाएगी। लेकिन एयर इंडिया ने अपने पैसेंजर्स को ये बोला है कि जो लोग एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई जाना चाहते हैं, तो वो यात्री या तो दिल्ली एयरपोर्ट या फिर मुंबई एयरपोर्ट से अपने फ्लाइट की बुकिंग करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक बात बताना चाहेंगे कि इंदौर एयरपोर्ट का काम रात में होगा, इसलिए जो फ्लाइटें यहां से दिन में उड़ान भरती है उनका टाइम शेड्यूल वही रहेगा। लेकिन अगर एयर इंडिया को भी अपनी फ्लाइट को दिन में उड़ने की परमिशन मिल जाती है तो वह भी अपनी उड़ान दुबई के लिए दिन में कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक इसको लेकर इतनी ही बात सामने आई है। इसके बारे में जैसे ही कोई लेटेस्ट खबर आएगी तो वो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। तो इसके आगे आने वाली खबर के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।